वेल बेटे, नंबर वन, इफ समबडी आस्क यू हाउ विल यू मेक द टेस्टर, हाउ विल यू मेक द टेस्टर, अ क्वेश्चन अराइजेस विच टेस्टर आई एम टॉकिंग अबाउट. कैन एनी बॉडी एस्टिमेट विच टेस्टर आई एम टॉकिंग अबाउट? वेल स्टूडेंट्स, दिस टेस्टर इज ए टेस्टर विच टेल्स अस, विच टेल्स अस, हमारे पास ये दो काम कर देगा बेटे. ये टेस्टर कौन कौन से दो काम कर देगा? नंबर वन, इफ द इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग थ्रू वायर और नॉट, एक तो हमें यह बता देगा, दूसरा हमें यह बता देगा इफ द गिवन ऑब्जेक्ट इज कंडक्टर और इंसुलेटर. कंडक्टर और इंसुलेटर क्या मतलब? कि जो भी हमारे को गिवन चीज है उसमें से करंट पास होता है या नहीं होता. राइट, एवरीबॉडी शुड बी सीरियस, एस्पेशली 8th A स्टूडेंट्स, प्लीज पे योर अटेंशन. व्हाट इज द पर्पस ऑफ जॉब? इट हैज टू पर्पसेस. टेस्टर हैज टू पर्पसेस. अब पहला पर्पस क्या है? कि वायर में से करंट जा रहा है या नहीं जा रहा. दूसरा पर्पस क्या है? हमारा गिवन ऑब्जेक्ट है उसमें से बिजली का करंट गुजर पाएगा कि नहीं गुजर पाएगा. अब यहां सवाल ये पैदा होता है कि सर ये टेस्टर बनाते कैसे हैं और इसका फायदा कैसे लेंगे. सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे. इस टेस्टर को बनाने के वेज टू मेक टेस्टर. ओके, शाबाश. सभी बच्चे ध्यान से देखो, टीचर क्या फिगर बना रहा है बेटे. टीचर एक बॉक्स ले रहा है. वो बॉक्स नहीं है बल्कि इसके अंदर मैग्नेटिक कंपास है. और मैग्नेटिक कंपास की सभी बच्चों को पता होना चाहिए, रेड वाला किनारा नॉर्थ होता है बेटे, और आपको बताया था ब्लू वाला पोर्शन क्या होता है? साउथ. तो इस तरह से मेरे पास एक कंपास है, मैग्नेटिक कंपास. मैंने उसके ऊपर इस तरह से कॉपर का वायर. यस बेटे, सर गुड मॉर्निंग. आई शुड विच क्लास इट इज? सर प्लीज जॉइन 8th D. ओके, सो 8th D इज नाउ इन अवर लूप. शाबाश. तो मैग्नेटिक कंपास इज टेकन, मैग्नेटिक कंपास इज टेकन, और उसकी साइडों पे क्या लगाया बेटे? ये वाइंडिंग किसकी कर दी हमने? दिस वाइंडिंग इज ऑफ कॉपर वायर, कॉपर वायर. ओके, तो कॉपर वायर में यहां पर हम ओपन रखेंगे इतनी जगह, और यहां पर एक नेल रखेंगे, आयरन नेल. ओके, और यहां पर हम ऑफ स्विच को ऑन कर देंगे, की को, और इधर हम बैटरी लगाएंगे, बैटरी, और बैटरी का दूसरा तार यहां जोड़ देंगे. अब सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, योर अटेंशन. ये मैंने टेस्टर को बनाने का पहला तरीका निकाला. देखो ये पहला तरीका क्या कहता है, एवरीबॉडी अटेंटिव. अब मैं इसको समझाऊंगा ये काम कैसे करता है. जिस बच्चे ने अब नहीं सुना तो उसने आज का वेस्ट कर दिया लेक्चर, जो अब नहीं सुनेगा. और ये 8th F के स्टूडेंट थोड़े कम अटेंटिव हैं, बाकी सब देख रहे हैं.
शाबाश योर अटेंशन। बैटरी लगा दिया, ऑन ऑफ स्विच लगा दिया, कॉपर का वायर लेकर आया और कंपास के ऊपर बाउंड कर दिया और इधर से यहाँ किनारा ओपन रखा और ये मेरे पास आयरन का नेल है, किस चीज का बना हुआ है, लोहे का। ओके अब ध्यान से, सभी बच्चों को पता है आयरन इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ध्यान से सुनना बेटे। जैसे ही योर अटेंशन, जैसे ही मैं इस नेल को ए और बी पॉइंट के ऊपर टच करता हुआ रखूंगा, ए और बी पॉइंट के ऊपर जो कि कॉपर वायर के किनारे हैं, यहां से उठा के नेल को इसके ऊपर रखूंगा, तो ये जो निडल की पोजीशन है कंपास की, ये डिस्टर्ब हो जाएगी, यानी इस पोजीशन से निडल या तो इधर आ जाएगी या उधर चले जाएगी, ये ओरिजिनल पोजीशन डिस्टर्ब हो जाएगी। यहां से दो बातें कंफर्म होगी कि ये जो नेल है वो एक कंडक्टर है, उसमें से बिजली का करंट पास हो रहा है। दूसरी बात ये होगी कि इस वायर में से जो करंट गया, उस कंडक्ट करंट ने अपने इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा किया, उस मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव में कंपास का निडल अपनी ओरिजिनल पोजीशन को छोड़कर या तो इनवर्ड बेंड हो जाएगा या फॉरवर्ड बेंड हो जाएगा। दोनों में से एक चीज जरूर होगी अगर वायर में से करंट जा रहा है। और देखो हमारे दोनों पर्पस पूरे हो गए, इस टेस्टर ने हमें यह बता दिया कि करंट किसी वायर में जा रहा है या नहीं जा रहा, दूसरा उसने यह भी बता दिया कि हमारा गिवन ऑब्जेक्ट कंडक्टर है या इंसुलेटर। क्लियर बेटे? अगर मैंने आपको आपकी क्लास में दिया पड़ा हुआ वुडन डस्टर दे दिया होता, क्या दे दिया होता बेटे, वुडन डस्टर जिससे बोर्ड साफ करते हैं, ये वुडन डस्टर को मैं उठाता और नेल की जगह पर लगा देता, यानी ए और बी को टच करता हुआ ये लकड़ी का गुटका या वुडन डस्टर यहां पे टच कर दूंगा। क्या मेरे को आप लोग बताओगे कि निडल की पोजीशन ओरिजिनल पोजीशन से चेंज होगी या नहीं होगी? शाबाश, नहीं होगी। क्यों क्यों इसलिए नहीं होगी कि वुडन कंडक्टर एक इंसुलेटर है, वुडन कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर है, इसमें से करंट नहीं जा पाता, राइट? अगर इसमें से करंट जा पाता तो इस वायर को क्लोज्ड सर्किट मिलता, करंट पास होता और इस निडल की पोजीशन चेंज होती। तो लकड़ी का गुटका लगाने से, लकड़ी का डस्टर लगाने से ना तो निडल की पोजीशन चेंज हुई और यहां से हमें यह भी पता लग गया कि करंट वायर में नहीं जा रहा, दूसरा ऊपर से हमें यह कंक्लूजन मिला कि वुड के किसी भी टुकड़े को हम इंसुलेटर बोलेंगे, बिजली नहीं पास कर सकती, लेकिन एक शर्त है, वुडन का टुकड़ा बिल्कुल सूखा होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए। अगर इसको मैं पानी में डिप करके फिर यहां पर रखूंगा तो ये निडल की ओरिजिनल पोजीशन चेंज हो जाएगी, लेफ्ट साइड या राइट साइड, इसमें डिफ्लेक्शन आ जाएगी बेटे, डिफ्लेक्शन, ठीक है? वो कब होएगा? अगर ये वुडन गीला होगा तो इसका मतलब मेरे को यहां पर लिखना चाहिए ड्राई वुडन टेस्टर। ओके, तो अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं कि वेट वुडन टेस्टर, वेट वुडन डस्टर इंसुलेटर होता है या कंडक्टर होता है, तो क्या आंसर आना चाहिए? कंडक्टर। तो कंडक्टर बोलोगे। उम्मीद करता हूं आपको ये वाला टेस्टर और उसकी वर्किंग समझ आई। जिन बच्चों को ये समझ आया प्लीज रेज योर राइट हैंड, प्लीज रेज योर राइट हैंड अगर आपको ये टेस्टर समझ। शाबाश बच्चे, वेरी गुड वेरी गुड। अब एक तरीका हम और सीख लेते हैं टेस्टर बनाने का, फिर हम आगे चलते हैं। टेस्टर बनाने का एक तरीका ये है कि मेरे पास ऑन ऑफ स्विच है जिसको की भी बोल देते हैं,
लंबी वाली डंडी बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल होती है, छोटी वाली नेगेटिव बेटे। और यहाँ पर मेरे पास वाई टर्मिनल है, बीच में स्पेस छोड़ा हुआ है, एक्स टर्मिनल है, और मेरे पास यहाँ पर एलईडी लगा रखा है। व्हाट इज दिस एलईडी? क्या मेरे को ये प्यारा सा बच्चा सविता सविता 8th F में बता पाएगी एलईडी का फुल फॉर्म क्या है? एलईडी फुल फॉर्म बेटे 8th F सविता। गुड मॉर्निंग। सर लाइट एमिटिंग लाइट एमिटिंग डायोड। एलईडी स्टैंड्स फॉर लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड ये एक छोटा सा बल्ब होता है जो ऑन होने के बावजूद गर्म नहीं होता, आप इसको टच कर सकते हो, हाथ से पकड़ सकते हो। कोई ऐसा बच्चा है सारी क्लासेस में जो मेरे को यह बता सके एलईडी किस मटेरियल का बना होता है? एलईडी किस मटेरियल का बना होता है? देखते हैं 8th A 8th B 8th C 8th D 8th E 8th F। सर गैलियम आर्सेनिक फॉस्फाइड ये ब्यूटीफुल, किस बच्चे ने बताया, किस बच्चे ने, कौन सा? सो 8th A इज द विनर। वेरी गुड, तो शी इज राइट। इसका कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है गैलियम आर्सेनिक। सैनिक फॉस्फाइड। ओके, ध्यान से सुनो बेटे। अब ध्यान से सुनो। मेरे पास, मान लो मेरे पास ये एक प्लास्टिक का कॉम्ब दे दिया, प्लास्टिक का कॉम्ब, ठीक है, प्लास्टिक की कंघी। तो मैं इस कंघी को उठाऊंगा और एक्स और वाई टर्मिनल के बीच में फिट करूंगा, भी टच करे वाई से भी टच करे। तो कौन बच्चा बताएगा कॉन्फिडेंटली कि ये एलईडी ग्लो करेगा या नहीं करेगा? शाबाश, एक बच्चे ने। सबसे आगे जो बॉय बैठा है वो खड़ा होएगा और बताएगा विल द एलईडी ग्लो और नॉट? सर द एलईडी विल नॉट ग्लो कैन यू टेल मी व्हाई? सर बिकॉज प्लास्टिक इज एन इंसुलेटर वेरी एंड इट गुड डू नॉट वेरी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। गुड शाबाश। तो किस बच्चे ने, बल्कि हमें उल्टा बोलना है कि मान लो हमें यह नहीं पता कि प्लास्टिक का कॉम्ब इंसुलेटर है या कंडक्टर है, हम उसको लगा के देखेंगे। अगर एलईडी ग्लो कर गया, अगर एलईडी ग्लो करता है, इफ एलईडी ग्लो, इफ एलईडी ग्लोज, तो कंक्लूजन क्या है? देन गिवन मटेरियल क्या होता है बच्चे? गिवन मटेरियल, हमारे पास गिवन मटेरियल में कंक्लूजन निकलेगा कि वो कंडक्टर है। तो कंक्लूजन क्या निकलेगा? करंट फ्लोज इन द सर्किट। पर इस हमारा एक्सपीरियंस बिल्कुल इसके अपोजिट हुआ। इस बॉक्स के प्लास्टिक का कॉम लगाने से एलईडी ग्लो नहीं करता, हमें बताया कि प्लास्टिक कॉम इंसुलेटर है। तो किसी बच्चे को टेस्टर नंबर 1 और टेस्टर नंबर 2 में कोई डाउट है समझने में? दोनों समझ आ गए हैं बेटे आपको? हाउ टू मेक टेस्टर 1 एंड टेक यूटिलाइजेशन, हाउ टू मेक टेस्टर 2। जिन बच्चों को ये दोनों समझ आ गए हैं वो दोनों हाथ खड़ा करेंगे एक बार। दोनों समझ आ गए हैं तो दोनों हाथ खड़ा कर ले। वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। दिस इज वेरी गुड इंडिकेशन फॉर मी, तो आई कैन प्रोसीड वेरी फुली वेरी कॉन्फिडेंटली अहेड, मैं आगे जा सकता हूँ। ओके बेटे, अब हम एक एक्टिविटी भी करके देखते हैं। सारे बच्चे ध्यान से देखो मेरे हाथ में क्या है। तुम करते हैं, सभी बच्चे ध्यान से देखो। कैन यू टेल मी व्हाट इज इन माई हैंड? ट्राई सेल और
कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस? बेटे ये भी ड्राई सेल है, पेंसिल सेल है, इसको बड़ा सेल बोलते हैं, ये ज्यादा दिनों के लिए चलता है क्योंकि इसकी एम्पियर आवर कैपेसिटी ज्यादा होती है. कौन सी कैपेसिटी? एम्पियर आवर. और शॉर्ट में उसको एएच वैल्यू भी बोल देते हैं. ओके अब इसी तरह से मैंने ये दो सेल लगा रखे हैं और सीरीज में लगे हुए हैं. देखो कैसे लगते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव. एक सेल का नेगेटिव दूसरे सेल के पॉजिटिव में जोड़कर इसकी पैकिंग बना रखी है. तब मैं इसको सेल नहीं बोलूंगा, आप तो मैं इसको बोलूंगा बैटरी. तो बैटरी और सेल में क्या फर्क है? बैटरी इज ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स. दो सेल भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं बैटरी में. ओके तो मैंने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एक वायर निकाली हुई है और नेगेटिव से भी निकाल लूंगा. और इधर देखो मेरे हाथ में क्या है, ये मैंने वायर में एलईडी लगा रखा है बच्चे, एलईडी. राइट, तो एलईडी को हम लगा के देखते हैं, अगर ये ग्लो कर गया तो इसका मतलब हमारा सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट क्लोज हो गया. और ये क्या हो जाएगा बेटे, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाएगी. सेल के अंदर की केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होगी. हैव इट ग्लोन? नहीं बेटे, ध्यान से देखो, ग्लो हुआ हुआ, थोड़ा सा डिम ग्लो हुआ है. जूम करो जी, ध्यान से देखो, ग्लो हुआ है मेरी, हो सकता है ब्लैक के अंदर आपको ना दिख रहा हो. मैं इसको ऑफ करता हूं अभी. अभी ये ऑफ है, आप ध्यान से देखना. एक मिनट, जरा वायर हिल गया लगता है. हुआ था? थोड़ा सा वायर डिम है, लेट मी अगेन डू इट. शाबाश, वेट ए मिनट, वेट ए मिनट. बेटे हैज इट ग्रोन? तो यहां से ये पता लगता है, लिखो शाबाश. ड्राई सेल इज ए डिवाइस, ड्राई सेल इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. Is a device which converts chemical energy into electrical energy. और ये dry cell जो इसका नाम रखा हुआ ना बेटे, ये भी एक गलती से रखा हुआ नाम है, misnomer. गलती से रखा हुआ नाम को बोलते हैं misnomer, misnomer. अगर कोई बच्चा बोले सर misnomer क्यों है, dry ही तो है. नहीं बेटे, इसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट होता है जो कि पेस्ट की फॉर्म में होता है. जब तक वो पेस्ट सूखता नहीं है तब तक सेल चलता है. तो पेस्ट तो जब सूखता नहीं है, पेस्ट बनी हुई है, उसमें सीलापन आ गया, फिर तो उसमें वेटनेस आ गई. तो जब तक इसके अंदर का इलेक्ट्रोलाइट पेस्टी फॉर्म में है, वेटनेस है, तभी तक ये काम करता है. अगर वो बिल्कुल सूख जाए तब ये काम नहीं करेगा. तो लिख लेना चाहिए, ड्राई सेल इज द मिजनोमर नेम गिवन टू द ड्राई सेल. ड्राई सेल इज द नेम गिवन टू द मिजनोमर. अब मैं अपने बच्चों को ये देखो टेबल पे, ये दिख रहा है आपको बेटे, मेरे पास एक गिलास है, उसमें कुछ लिक्विड है. तो ये जो लिक्विड है मैं यहाँ टेबल पे रखा, तो इसका ये कोई ऐसा नहीं है कि मैंने सिंपल पानी डाला हुआ है इसमें. टेबल पे फोकस करता हूं, अब कर लो बेटे. देखो तो आपको इस वक्त टेबल पे रखा हुआ ये गिलास दिख रहा होगा. लेट मी फोकस इट. बेटे मिनट, दिखेगा अभी, दिखेगा अभी, दिखेगा.
लास्ट क्यों नहीं दिखा, एक मिनट बेटे एक मिनट, इसकी पोजीशन चेंज करते हैं हम ग्लास की। ग्लास क्यों नहीं फोकस हो रहा, चलो दोबारा से। ये देखो आप यहां से ही देख लो, इस गिलास में मैंने नमक का सोल्यूशन डाल रखा है, जो हम नमक खाते हैं जिसको टेबल साल्ट बोलते हैं। टेबल साल्ट का केमिकल नेम पता है सभी बच्चों को? राइट डाउन एवरीबॉडी, टेबल साल्ट इज नोन एज सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड लिख लो बच्चे। टेबल साल्ट में, अगर ये टेबल साल्ट का सोल्यूशन, मैंने पानी लिया उसमें नमक डाला हुआ है और ऑलरेडी चम्मच से घोला हुआ है, ये बन गया सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन। इसको साइंस की लैंग्वेज में ब्राइन सोल्यूशन भी बोलते हैं, BRINE, ब्राइन सोल्यूशन, BRINE, ब्राइन सोल्यूशन। नोट करते जाते होते हैं, ये मत सोचना सारी बातें याद रहेंगी। अब बेटे ऐसा देखा गया कि ब्राइन सॉल्यूशन है ना जो, वो बिजली कंडक्ट करने लग जाता है, जबकि जब उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। मैं इसकी आपको डेमो दिखाता हूं अभी, ये कैसे करेगा, इसको ऐसे पकड़ो जी। ये देखो यहां पर हमने इस ग्लास को पकड़ा, इसमें ब्राइन सॉल्यूशन है और मेरे पास वही दो तीन पुरानी चीजें हैं। मैंने सर्किट बनाया प्रॉपर और आप देखो अभी तक ये दोनों किनारे ओपन है वायर के। ये किनारा ब्लैक वाला दिख रहा है बेटे, ब्लैक वाली तार और ये दूसरी व्हाइट वाली तार अभी टच में नहीं है। अगर मैं इनको टच करता हूं तो LED ग्लो करना चाहिए, अगर सर्किट प्रॉपर है तो। तो LED को ग्लो करना पड़ेगा, अभी ये नहीं हुआ शायद, वेट ए मिनट, तार को दोबारा से पकड़ना पड़ेगा, थोड़ी बारीक तार है बेटे, ये पकड़ा और दोनों तारों को मैं टच, क्या तो इधर से देखते हैं अब टच करके, ये देखें, और योर अटेंशन, शायद बैटरी वीक हो गया, बेटे वेट ए मिनट, पहले ग्लो कर रहा था, हो सकता है एकदम से बैटरी, बड़ी क्लासों में हमें एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं ना, हो सकता है बैटरी वीक हो गया हो। यस ऐसा ही कुछ लग रहा है। देखो बेटे अभी ये ग्लो कर रहा है, LED दिख रहा है आपको? अब हम देखते हैं कि क्या ये पानी के सॉल्यूशन में डालने से ग्लो करता है कि नहीं। क्योंकि पानी के सॉल्यूशन में डालने, दूसरी तार भी डालनी पड़ेगी, अगर ये ग्लो कर गया तो इसका मतलब है कि ब्राइन सॉल्यूशन इज ए कंडक्टर। तो ये बैक साइड पे हमारे आ गया LED, तो बच्चे यहाँ से ये ग्लो करता है, यहाँ से पता लगता है कि ये ब्राइन सॉल्यूशन। लेट मी डू इट अगेन, देखते हैं, कई बार बैटरी कमजोर भी हो जाता है। वंस अगेन लेट वेट ए मिनट, मैंने दोनों तारें उसमें डिप करी है। एक्चुअल में ये ब्राइन सॉल्यूशन जो होता है कंडक्टर होता है और इट शुड ग्लो। शायद सेल वीक हो गया, एक मिनट, वंस अगेन देखते हैं। लो जी
वंस अगेन बेटे मैंने मैं ये सॉल्यूशन डाला और ये वही कल वाला नमक वाला सॉल्यूशन है ना। जगना चाहिए बेटे, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया लगता है सेल में। लास्ट ट्राई देते हैं फिर हम, वरना इसको बाद में सेट करके दिखाएंगे आपको। नहीं बेटे, कुछ ना कुछ हिल गया लगता है, शायद कोई कनेक्शन लूज हो गया। कोई एनी हाउ, जब हम इसकी दो तारों को ध्यान से देखना, ये जो दोनों तारे हैं, अगर मैं इसको दूर दूर रख के डिप करता हूं ग्लास में, तो ये एलईडी ग्लो हो जाता है। उससे हमें ये पता लगता है कि ब्राइन सॉल्यूशन इज ए कंडक्टर। अब देखो मैं बोर्ड के ऊपर इसको समझाता हूं आपको, ये कैसे, ध्यान से सुनना सभी बच्चे, सभी बच्चे ध्यान से सुनना, शाबाश योर अटेंशन। देखो बेटे योर अटेंशन, ये मेरा कंटेनर है, ये कंटेनर है जिसके अंदर मैंने नमक का सॉल्यूशन डाल रखा, और नमक का फॉर्मूला होता है सोडियम क्लोराइड। क्या का फॉर्मूला होता है बेटे? NaCl। Na और सोडियम को रिप्रेजेंट करता है और Cl क्लोरीन को। सोडियम और क्लोरीन को मिक्स करके जो कंपाउंड बनता है वो NaCl होता है, राइट? और इसमें मैंने ये पानी डाल दिया, पानी, वाटर, ओके? जब तक सोडियम और क्लोराइड आपस में जुड़े रहते हैं, इसको बोलते हैं मोल के दो, ये जो साल्ट है, ये साल्ट इज इन मोलिक्यूलर फॉर्म, मोलिक्यूलर फॉर्म, ओके बेटे? अब जैसे ही मैं इसको इसके अंदर डालता हूं और चम्मच से हिला देता हूं, तब ये सोडियम क्लोराइड इस कंटेनर के अंदर जाकर ऐसे टूट जाता है। कैसे? सोडियम का केटायन बन जाता है और क्लोरीन का क्लोराइड आयन बन जाता है। इसको बोलते हैं केटायन। कैसे पता लगा? पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है। इसको बोलेंगे एनायन। कैसे पता लगा? नेगेटिव चार्ज है। इसका नाम क्या होता है? सोडियम आयन। इसका नाम क्या होता है? क्लोराइड आयन। सभी बच्चों को ये लिख लेना चाहिए रिएक्शन, क्लोराइड आयन। तो मॉलिक्यूलर फॉर्म से टूटकर इसमें आ गया, इसको क्या बोलते हैं? आयनिक फॉर्म, आयनिक फॉर्म ऑफ साल्ट। और जब तक ये जुड़ा हुआ था, इसको क्या बोलते थे? मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ साल्ट। और इसके इस टूटने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिसोसिएशन, डिसोसिएशन। तो इस लिक्विड के अंदर बहुत सारे Na पॉजिटिव आ जाएंगे और इस लिक्विड के अंदर बहुत सारे क्लोराइड नेगेटिव भी आ जाएंगे। अब ध्यान से देखना क्या होगा। मैंने एक वायर डिप करा इधर से, एक वायर डिप करा इधर से, और यहां पर बैटरी लगाया, पॉजिटिव नेगेटिव, ओके बेटे? और यहां पर मैंने लगा दिया एलईडी, एलईडी। जैसे ही मैं इस ऑन ऑफ स्विच को ऑन करता हूं, तो क्या देखता हूं कि बैटरी यहां पर, ये दोनों तारे अंदर से जुड़ी भी नहीं हुई, तारे, फिर भी ये एलईडी ग्लो करने लगा। एलईडी ग्लो करने का मतलब ये हुआ कि क्या हो गया बेटे, जो टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल से लगा हुआ था, ये देखो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड अपनी तरफ सोडियम के आयन खींच के ले जाएगा, क्योंकि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर। और जो इलेक्ट्रोड यहां से ऐसे लटक रखी है प्लेट, जो कि
टर्मिनल से जुड़ी हुई है, नेगेटिव आयन को खींच के ले जाएगी, क्योंकि इट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इसका मतलब सारे के सारे पॉजिटिव आयन इधर भागेंगे और सारे के सारे नेगेटिव आयन इधर भागेंगे। इस तरह के दो भागते हैं, कैटायन भागते हैं, उस इलेक्ट्रोड को कैथोड बोलते हैं। जिस तरफ एनायन भागते हैं, ये देखो एनायन होता है नेगेटिव। टीचर ने कल मेमोरी टूल दिया था, कैटायन पे कौन सा चार्ज होता है? कैटायन पे पॉजिटिव। कैसे बताया था सर ने? बीच में क्या बना था? टी की जगह प्लस बना दिया था। देखो मेमोरी टूल स्पेलिंग भी बन गया, याद भी हो गया। तो ये सारे के सारे पॉजिटिव है, ये जाएंगे कैथोड की तरफ, जिस इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं वो होता पॉजिटिव है, लेकिन उसको एनोड बोलेंगे। इसका ये एक इलेक्ट्रोलाइट बन गया, और इलेक्ट्रोलाइट में जो करंट फ्लो करता है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से नहीं करता, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से तो वायर में फ्लो करता है, वायर में, कॉपर की वायर में। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टिविटी होती है, उसमें जो बिजली के करंट के पास होने की काबिलियत होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस, बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस। एक बच्चे ने मेरे से पूछा कि सर अगर नमक बिल्कुल सूखा हो और नमक सूखे नमक में ऐसे तारे डाल दें तब भी क्या एलईडी ग्लो करेगा? तो बेटे याद रखना, जो ड्राई साल्ट होता है ना, ड्राई साल्ट होएगा ना NaCl का, वो क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही रहता है, वो टूटता नहीं, मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है। और मॉलिक्यूलर फॉर्म का मतलब ऐसे जुड़ा रहेगा NaCl। अगर वो जुड़ा रहेगा तो हमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन नहीं मिलेंगे। इसलिए जो ड्राई साल्ट होता है वो इंसुलेटर होता है, उसमें करंट नहीं जा सकता। पर अगर अगर मैं NaCl को चाहे तो मैं उसमें लिक्विड में डाल के ब्राइन सॉल्यूशन बना दूं, ब्राइन सॉल्यूशन, चाहे मैं इसको गर्म करके मोल्टन कर दूं, मोल्टन करके, दोनों ही केसेस में हमारे पास Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आ जाते हैं, और ये मॉलिक्यूलर फॉर्म नहीं रहेगी, तब ये आयनिक फॉर्म बन जाएगी। जब भी आयनिक फॉर्म में होता है तो ये जो साल्ट होता है, चाहे मोल्टन चाहे ब्राइन सॉल्यूशन, ये फिर कंडक्टर बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइट द कंडक्टिविटी ऑफ द करंट इज बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ द आयंस। समझ आया कैसे? एक इलेक्ट्रो ऊपर हेडिंग क्या देना चाहिए? कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। समझ आया बच्चे? समझ आया? Yes. तो आपको मेथड बताया, इफ यू हैव अंडरस्टूड प्लीज रेज योर राइट हैंड फॉर ए मिनट, प्लीज रेज योर राइट हैंड। आई एम आस्किंग दिस 8th बी, एम आई ऑडिबल बेटे? प्लीज रेस्पॉन्ड। यस। ओके, डाउन डाउन, नोट डाउन एज क्विकली एज पॉसिबल। अच्छा देखें, क्लास में कौन बच्चा, इसको नोट कर लेना जल्दी से, कौन बच्चा इसका नाम बताता है? H2SO4, H2SO4 क्या होता है? हाइड्रोजन सल्फेट। सॉरी सॉरी, ये सल्फ्यूरिक एसिड। किसने बताया? किसने बताया? ब्रिलियंट ब्रिलियंट। ये बेटे दुनिया में जितने भी तेज तेजाब होते हैं, तेजाब क्या होते हैं, ऐसे स्किन पे डालो स्किन जल गई, सबसे स्ट्रॉन्ग जो होता है ना उसको छोड़ के जो दूसरे नंबर पर स्ट्रॉन्गेस्ट है वो है सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। लिख लो इसको, इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। अब मैं अपने बच्चों को नेक्स्ट चीज बताने लगा हूं, रेडी?
बेटे होता क्या है, ध्यान से सुनना। शाबाश योर अटेंशन। बेटे देखो इधर, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस, मैंने ये सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन ले लिया, पानी ले लिया, उसके अंदर H2SO4 डाल दिया, पानी के अंदर H2SO4, वाटर का फॉर्मूला था H2O। तो जैसे ही मैं इसके अंदर दो प्लेटें लटकाऊंगा और उसको बैटरी से बिजली का पास, करंट पास कर दूंगा, तो क्या होता है बेटे, मैं ये देखता हूं कि ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये डिसोसिएट हो जाता है। किसमें डिसोसिएट होता है? हाइड्रोजन आयन, इसका क्या नाम है, हाइड्रोजन आयन एच पॉजिटिव, हाइड्रोजन आयन जो कि पॉजिटिव होने की वजह से केटायन बोला जाएगा, और दूसरा है सल्फेट आयन SO4 2 नेगेटिव, सल्फेट आयन। ओके, तो यहां पर ये दो बनते हैं, ये एक बनता है। तो इस तरह से सल्फ्यूरिक एसिड पानी डालने की वजह से एक्वस लिखना पड़ता है ब्रैकेट में, तो इसकी ऐसे डिसोसिएशन होगी। तो अदरवाइज अगर मैं बिजली का करंट इसमें ना पास करता तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही रहता, मॉलिक्यूलर फॉर्म में ऐसे जुड़ा रहता, पर जैसे ही मैंने बिजली पास करी, करंट पास करा, तो ये अपने आयंस में टूट गया जिनका ये बना हुआ था। तो किसी भी मटेरियल का, किसी भी कंपाउंड का अपने कंस्टिट्यूएंट में ब्रेकअप हो जाना करंट के पास होने की वजह से उसको इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। राइट डाउन द हेडिंग, राइट डाउन द डेफिनेशन, इलेक्ट्रोलिसिस इज द ब्रेकिंग ऑफ ए ब्रेकिंग इलेक्ट्रोलिसिस इज द ब्रेकिंग ऑफ ए कंपाउंड, ब्रेकिंग ऑफ ए कंपाउंड फ्रॉम इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्म, इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्म टू आयनिक फॉर्म। इलेक्ट्रोलिसिस इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ए कंपाउंड फ्रॉम इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्म टू आयनिक फॉर्म बाय द पासेज ऑफ करंट थ्रू इट्स सोल्यूशन, बाय द पासेज ऑफ करंट थ्रू इट्स सोल्यूशन। ठीक है बेटे, और आपको सुन के हैरानी होगी, जो पानी होता है ना, पानी H2O, वो भी अगर ब्रेक कर रहे हैं हम, तो वो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस देता है हमें, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रो, ये एक अलग प्रोसेस है इलेक्ट्रोलिसिस की, दूसरी एग्जांपल होगी, वो पहली एग्जांपल थी। आपको पता होनी चाहिए कोरोना के डेज में लोगों को बहुत ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए थी, तो ऑक्सीजन गैस सांस लेने के काम आती है, तो लोगों ने वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करी थी। पर ये बहुत सावधानी से करना पड़ता है, क्योंकि ये दोनों गैसेस अगर आपस में मिल जाएं और थोड़ा सा भी बिजली का चिंगाड़ा इसके पास हो और आग बड़े धमाके से आग लगती है बम की तरह, तो बच्चों ने इसको करना नहीं होता, खुद से टीचर की नजर से, टीचर की सुपरविजन में ही करना होता है। हाइड्रोजन गैस एक फ्यूल है, ऑक्सीजन गैस जलने में मदद करती है, और अगर गलती से कहीं आपने दिया सलाई इसके पास से जला दी ना, तो बम फट जाएगा, बम। तो इसलिए ऐसे नहीं करना कभी भी खुद से। पर फिर भी मैंने आपको बता दिया कि अगर इनको दूर दूर डेवलप कर लेंगे, दूर दूर कंटेनर लंबे बना लेंगे और दूर दूर कर लेंगे, तो ऑक्सीजन गैस को अलग से लिया जा सकता है, और कोरोना के डेज में हमने इसको पेशेंट्स को दिया था और उनकी जान बचा ली थी हमने, क्योंकि ऑक्सीजन हेल्प्स इन दी रेस्पिरेशन। सभी बच्चे असाइनमेंट निकालेंगे फटाफट, शाबाश असाइनमेंट, हरी अप। कौन बच्चा बताएगा मेरे को, नंबर वन, इन नंबर वन, विच ऑफ द दीज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वुड इन, टिन
बी प्योर वाटर। हाँ जी बेटे, बहुत से बच्चे सोचते हैं पानी में बिजली नहीं गुजरती, अगर पानी इम्प्योर होएगा तो उसमें से बिजली गुजरेगी, लेकिन अगर पानी बिल्कुल प्योर होएगा उसके लिए वर्ड लगता है बेटे डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर 100% प्योर लिखना है, 100% प्योर, तो उसके अंदर से करंट नहीं पास होता, करंट नहीं पास होता, इम्प्योर वाटर में से होता है। सेकेंड बेटे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? वाटर। सिल्वर, आयरन, एल्यूमिनियम, वाटर। एक बात सुनो, इसमें गुड को काट के बेस्ट लिख दो, बेस्ट बेस्ट लिख दो, वरना गुड में तो दोनों चीजें आ जाएंगी, सिल्वर और एल्यूमिनियम और आयरन भी। इसमें बेस्ट लिखो और बेस्ट की जगह आपको सिल्वर आंसर करना है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द इंसुलेटर? व्हाट आर इलेक्ट्रिसिटी? शाबाश, तो टीचर ने गुड को कटवा के सेकंड क्वेश्चन में उसकी जगह बेस्ट करवाया है सेकंड क्वेश्चन में। ओके, अभी तक हमारी क्या ऑप्शन बनी? फर्स्ट का बी, सेकंड का ए, थर्ड का बोलो बी, फोर्थ का बताओ, फोर्थ का डी, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल एनर्जी। हाँ जी बेटे, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल एनर्जी। फोर्थ, विच अलाउ एनर्जी कन्वर्जन टेक्स प्लेस इन ए सेल। बेटे शाबाश, हाँ अभी बाद वाला आंसर सही है, सेल के अंदर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, किसमें? सेल में। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हुआ? फिफ्थ क्वेश्चन बताओ, विच ऑफ द, व्हेन द एंड्स ऑफ द मेटल आर नॉट कनेक्टेड टू द बैटरी? तो देखो बेटे, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, और ये मैंने आयरन की रॉड ले ली, आयरन की रॉड, तो याद रखना बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन अपोजिट जाते होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नेगेटिव से अपोजिट पॉजिटिव जाते हैं, और करंट जो होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है। ओके, तो बताओ, इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिव। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन पे आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट गिव्स द करेक्ट वे ऑफ कनेक्टिंग द एलईडी इन द सर्किट? सी, हाँ सी को लगाएंगे तो बिल्कुल सही है ये, ठीक है। जो एलईडी होता है ना बेटे, उसकी एल्युमिनियम की लीड लगी होती है, एक छोटी होती है एक बड़ी होती है, बड़ी वाली को पॉजिटिव, छोटी वाली को नेगेटिव। ऐसी जो बैटरी होती है उसका लंबी वाली साइड पॉजिटिव और छोटी वाली नेगेटिव। ये एलईडी तभी ग्लो करता है जब पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ दो और नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ दो, तब ये ग्लो करता है, वरना ये ग्लो नहीं करता। कौन? एलईडी। और इसकी इस कनेक्शन के तरीके को जानते हो क्या बोलते हो? लिख लो, फॉरवर्ड बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग कनेक्शन ऑफ एलईडी, फॉरवर्ड बायसिंग कनेक्शन ऑफ एलईडी। अगर ये उल्टे लग जाएं, बैटरी के टर्मिनल ऐसे उल्टे लग जाएं, तो उसको रिवर्स बायसिंग बोलते हैं, और रिवर्स बायसिंग में ये एलईडी ग्लो नहीं करेगा, ऑफ रहेगा, ऑफ। ओके, द टाइम इज ओवर, लास्ट दो क्वेश्चन रह गए हैं बेटे। फुल फॉर्म ऑफ एलईडी आपको पता ही है, लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड। एट्थ क्वेश्चन, व्हेन शुड बी, सेवंथ का ए आएगा, सेवंथ का ए है। ओके, एट्थ का क्या आएगा? बी, व्हेन करंट फ्लो थ्रू द सर्किट इज टू वीक। ओके, नाइन्थ क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन, हीटिंग इफेक्ट,
हाँ देखो, बल्ब ग्लो करता है तो बल्ब तो गर्म भी हो जाता है साथ में, ठीक है। तो एन इलेक्ट्रिक बल्ब इन द सर्किट ग्लोज ड्यू टू, बट ड्यू टू है ये तो, कंडक्शन ऑफ करंट, कंडक्शन आएगा इसका। उसने गर्म का तो बोला ही नहीं, उसने तो बोला ग्लो क्यों करता है, कंडक्शन करंट, ठीक है। तो हमारे पास एक आर्टिकल बचा है, वो अगली आपने पढ़ के आना है थोड़ा सा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ये अपना लास्ट आर्टिकल बचा है इसके ऊपर। ओके, जिन बच्चों को आज का लेक्चर समझ आया वो दोनों हाथ खड़ा करके वेव करेंगे एक बार, प्लीज प्लीज गिव मी द रेस्पॉन्स, स्पेशली 8th B क्लास के बच्चे बताओ। थैंक यू बेटे, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।